हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि ड्राई स्किन के लिए हम डर्मा पैलेट या दूसरे मेकअप प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने डर्मा पैलेट तो यूज़ नहीं किया, बट ऐसा फाउंडेशन यूज़ किया है जो कि बिल्कुल स्किन को ड्राई करता है। सो ड्राई स्किन वालों के लिए स्पेशली होने वाला है, स्पेशल ट्रिक्स एंड टिप्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त मेरी स्किन पे टोनर और सीरम के अलावा कुछ भी नहीं लगा है, तो थोड़ी ड्राइनेस यहाँ यहाँ पे होती है बिकॉज आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन। सो मॉइस्चराइजर मैं अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका जो फेस है वो ड्राई है तो आप ज़्यादा मॉइस्चर वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे, जस्ट लाइक नीविया सॉफ्ट क्रीम जो ब्लू बॉटल में आता है, सिटाफिल का आप अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों बहुत ही अफोर्डेबल हैं एंड मेकअप के बेस के लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो बेसिकली आपको मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मेकअप से पहले एक एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करना होता है ताकि मेकअप की वजह से आपकी स्किन ड्राई ना हो। आपकी स्किन में जितना हाइड्रेशन आपको चाहिए हो आप उतना मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगा लो। उसके बाद उसे तब तक मसाज करो जब तक वो फुल्ली ड्राई एब्जॉर्ब ना हो जाए। आपको छूने पे फेस गीला नहीं लगना चाहिए, इतना आपको मसाज करना है। एंड आई एरिया पे भी अच्छे से मसाज करना है एंड अंडर आई क्रीम आपको लगा कर रखना है। मेरा अंडर आई क्रीम लगा हुआ था। नाउ यू कैन सी माई स्किन इज सो प्लम्प एंड सॉफ्ट। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक फेशियल ऑयल। बेसिकली ये फेस सीरम है बट कंसिस्टेंसी एंड टेक्स्चर इसका ऑयल वाला है। देखिए आप कितना गाढ़ा है, अदरवाइज सीरम इतना गाढ़ा नहीं होता है। आई डोंट नो इसका नाम फेस सीरम क्यों रखा हुआ है, बट इट्स रियली हाइड्रेटिंग रोज हिप सीरम है ये और ऑयल की तरह ही है। तो मैं इसे नाइट टाइम पे ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। ऑयल जब अप्लाई करना होता है, जब थोड़ा मौसम ठंडा होता है तब। तो मॉइस्चराइजर के बाद आपको ऑयल लगाकर अपने स्किन का मॉइस्चर लॉक कर लेना है और उसे हल्के हाथों से मसाज करना है। जितना हमने मॉइस्चराइजर को मसाज दिया ना, उससे बहुत कम हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप अपने हाथों को प्रेस करके वार्म अप कर लो फेस को, ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए और एक अच्छा सा लेयर बन जाए आपकी स्किन में। 4 से 5 ड्रॉप ही लेना है आपको ऑयल, ज़्यादा नहीं लेना है। लेयर बनने की वजह से ना आप कोई भी फाउंडेशन, कोई भी मेकअप लगाओ, इवन अगर आप डर्मा पैलेट भी यूज़ करते हो तब भी आपका फेस ड्राई नहीं होगा, क्योंकि एक लेयर बन चुकी है मेकअप एंड मॉइस्चराइजर के बीच में। ये है ऑयल का सबसे मेन फोकस। अब हम लगाएंगे करेक्टर। तो करेक्टर बेसिकली मुझे ऑरेंज करेक्टर की ज़रूरत थी बट इस वक्त मुझे मिला नहीं, सो मैंने ये पीच करेक्टर यूज़ कर लिया जो कि कम्प्लीटली हाइड नहीं करता है। पीच करेक्टर इज़ फॉर रियली लाइट पिंकिश टाइप के जो डार्क सर्कल होते हैं कुछ लोगों के चेहरे पे, उनके लिए है पीच करेक्टर। बट ये जो पीच करेक्टर है शुगर का, ये बहुत थिक है तो काफ़ी हद तक कवर हो गया था बट कम्प्लीटली नहीं हुआ था। सो मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँ। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन तब आप कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करने का कोशिश करेंगे। आप ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए जो थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको फुल कवरेज दे दे। करेक्टर लगाया तो बहुत कम लगाना, या फिर हाई कवरेज करेक्टर लगाना, या फिर मत लगाना अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो। ये है फाउंडेशन सुपर स्टे 24 आवर फ्रॉम मेबलिन न्यूयॉर्क। फिट मी नहीं है। अब आप चाहें तो आप इसमें ऑयल या सेरम दोनों में से कोई भी मिला सकते हो। मॉइस्चराइजर के बाद आपको ऑयल ही लगाना है बट फाउंडेशन में आप ऑयल या सेरम कुछ भी मिला सकते हो। सिंस आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन, मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है इसलिए मैंने मिक्स नहीं किया है। बट जो मॉइस्चराइजर के बाद हमने ऑयल या सेरम लगाया था वो आपको लगाना ही है। मॉइस्चराइजर के बाद ऑयल आपको लगाना ही है, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। और सीरम आपको फाउंडेशन में मिक्स करके लगाना है, मॉइस्चराइजर के बाद सीरम नहीं लगाना, ठीक है। सीरम आपको हाइड्रेशन का काम नहीं देता और ना ही आपके स्किन पे एक्स्ट्रा लेयर बनाएगा। तो मेकअप से पहले आपको ऑयल ही लगाना है एंड मेकअप में आप ऑयल या सीरम कुछ भी मिक्स करके लगा सकते हो। सो ये कम्प्लीटली मैट फिनिश देता है एंड आप चाहो तो ड्यूई फिनिश ला सकते हो ऑयल मिला के, या नेचुरल फिनिश चाहिए तो सीरम मिला लो। सीरम से आपको हल्की सी लिक्विडी हो जाएगी, ब्लेंडिंग इजी हो जाएगा बट फाउंडेशन का टेक्सचर कुछ खास नहीं बदलता है। सीरम के टाइप पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने जो यूज़ किया वो था रोज़
हिप सीरम एंड इट इज़ टोटली ऑयली। आई थिंक इसका नाम रोज हिप ऑयल होना चाहिए था, सीरम नहीं होना चाहिए था। मेरे हाथों पे जो भी फाउंडेशन बच गया है मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ। एंड नेक पे देखिए मेकअप सूख गया है क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई होता है, तुरंत ब्लेंड करना ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रब करके ब्लेंड कर रही हूँ। हाथों पे जो रह गया है उसे अपने फेस पे चेक कर करके, जहाँ पे मुझे खाली एरिया दिख रहा होगा वहाँ फिंगर से अप्लाई करके लगा लूँगी। डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं लगाना, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाता है फेस पे। और अगर आपको लाइट प्रोडक्ट्स लगाने अपने फेस पे, पतली लेयर लगानी है, तो आप फिंगर की हेल्प से डॉट्स बनाकर ही लगाओ। नोज़ के कॉर्नर पे बिल्कुल नहीं भूलना, स्पेशली अगर आप फुल कवरेज मेकअप कर रहे हो तो वहाँ पे अलग से एरिया दिखता है। नाउ आई एम यूजिंग अ फुल कवरेज कंसीलर, ये है मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर, और मेरी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा लाइट है इसलिए मैंने फाउंडेशन भी लाइट शेड का ही यूज़ किया है। अदरवाइज मैं 310 सन बेज यूज़ करती हूँ, बट आज मैंने 120 यूज़ किया है। और ये जो फाउंडेशन है ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होके मेरे स्किन टोन पे आ भी जाता है। सो ये फुल कवरेज कंसीलर है एंड थोड़ी सी क्वांटिटी में पूरा आई एरिया कवर हो जाता है। फुल कवरेज का यही मीन है कि आप इतू सा क्वांटिटी लो और वो पूरा कवर कर दे। तो आप दोनों आँखों पे मेरे डिफरेंस देख सकते हो। मैंने ऑरेंज करेक्टर भी नहीं लगाया था, सिर्फ पीच करेक्टर लगाया था तो भी ये कितने अच्छे से कवर कर गया है। हल्का सा ग्रे दिख रहा है बिकॉज मैंने पीच करेक्टर लगाया था। जहाँ पे भी मुझे हाईलाइटिंग इफेक्ट चाहिए वहाँ पे भी मैं ये कंसीलर अप्लाई कर रहा हूँ। बहुत हल्के हाथों से मैंने कंसीलर का जो ब्रश है उसे टच किया है एप्लीकेटर को, ताकि ज़्यादा ना लगे, बिकॉज हाईलाइटर के लिए मुझे फुल कवरेज नहीं चाहिए। आप चाहो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो, बिकॉज जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मेरा हाईलाइटिंग एरिया जो है सेंटर में है मेरे फॉरहेड के, इसलिए मैंने वहाँ पे हाईलाइट किया। कुछ लोगों का हाईलाइटिंग एरिया आईब्रोज के आर्च के जस्ट ऊपर होता है, आपके फॉरहेड पे जो उभरा हुआ पार्ट होता है, जो कर्व होता है, वहाँ पे हमें हाईलाइटर लगाना होता है। तो मेरा फॉरहेड पे सेंटर में था तो मैंने सेंटर पे लगाया है। आपके फॉरहेड पे अगर साइड पे होंगे, दोनों साइड्स पे, तो आप साइड्स पे लगाएंगे। कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से मैंने सेट कर लिया है। आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हो, वैसे तो कॉम्पैक्ट पाउडर ड्राई करता है, बट हमने ऑलरेडी अपना मॉइस्चर लॉक कर लिया है ऑयल लगाकर, तो अब मुझे कोई ड्राइनेस नहीं होगी। लिप्स के अराउंड जैसे मैंने किया वैसे ही आपको सेट करना है, ताकि स्माइल लाइन्स ना आए। जब आप हंसे खाए पिए तो स्माइल लाइन्स नहीं आनी चाहिए। इसके बाद मैं अपना बेस को मेकअप फिक्सर लगाकर सेट कर लूँगी। 4-5 स्प्रे मैं अपने फेस पे मारूंगी और आई मेकअप से पहले कर रही हूँ। एंड ये देखिए ये मॉइस्चर मिस्ट है, ग्लैम 21 का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे है, बहुत ही सस्ता है, 350 का आता है, आई थिंक 400 का आता है, ले लो, बहुत सस्ता है एंड ड्राई स्किन के लिए तो काफ़ी अच्छा है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस एंड ओके। सो अब मैं आई मेकअप से स्टार्ट करती हूँ। मस्कारा एक्चुअली में थोड़ा सा मेकअप सेटिंग स्प्रे से स्मज हो जाता है, इसलिए आई मेकअप से पहले ही आप सेटिंग स्प्रे लगा लो, ताकि क्रीजिंग भी ना पड़े एंड स्माइल लाइंस भी ना पड़े, मेकअप भी अच्छे से सेट हो जाए। क्रीज लाइन से नीचे मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। शुगर का आई शेडो स्टिक है ये, शेड का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्राउनिश गोल्डन शेड है एंड बहुत क्रीमी है। काफ़ी टाइम से लेकर रखा था मैंने, बट एक भी वीडियो में मैंने इसे यूज़ नहीं किया, बिकॉज मैंने इसे अपनी पर्सनल वैनिटी में रखा हुआ था। जब मैं कहीं बाहर आती जाती थी तो मैं इसे अपने लिए पर्सनली यूज़ करती थी। ना एक क्लीन ऐसा पॉइंटेड ब्लेंडिंग ब्रश लिया है मैंने, और ये जो ब्लश वाला शेड है फेस पैलेट का, उसे ले रही हूँ और क्रीज लाइन पर मैं ब्लेंड कर रही हूँ। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इसी तरह आपको थोड़ा सा फास्ट मोशन में करना है, लेफ्ट राइट, एंड आपका क्रीज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। बाहर बच्चे एक्चुअली खेल रहे हैं एंड मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, पहले बारिश हो रही थी फिर अब बच्चे खेल रहे हैं, तो मैं शांत होने का वेट नहीं कर पाई इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। ये जो ब्राउनिश ग्रे शेड है ये मेरे एक आई शेडो पैलेट में है, वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट है। इससे मैं अपने आईब्रोज को शेप दे रही हूँ। पहले आपको अपर आउटर लाइन बनाना है, फिर नीचे की आउटलाइन बनानी है और बाहरी के
आई मीन आउटर कॉर्नर से आपको फिलिंग स्टार्ट करनी है एंड इनर कॉर्नर पे बहुत कम प्रोडक्ट लगाना है। तो अब ब्रश में जो भी बच गया है उसे आप इनर कॉर्नर पे लगा लो, अलग से प्रोडक्ट लेकर इनर कॉर्नर पे नहीं लगाना। अब इस तरह के स्पूली ब्रश आप ले सकते हो, और आजकल तो आईब्रो पेंसिल्स में मिल जाते हैं। सो मैंने पाउडर यूज़ किया तो मैंने सेपरेट ब्रश यूज़ किया है। अगर मैं पेंसिल यूज़ करती तो आई हैव दैट टाइप ऑफ पेंसिल जिसमें पेंसिल है एंड दूसरी तरफ पे ब्रश दिया हुआ है। ब्राउ बोन को हाईलाइट करना इज द मस्ट। अगर आपको हाईलाइटर पसंद नहीं है तो आप मैट शेड का वाइट पाउडर लगा लो, वहाँ पे आई शेडो लगा लो वाइट कलर का, बट ब्राउ बोन को हाईलाइट ज़रूर करो। मस्कारा हमेशा आपको इस तरीके से ही निकालना है और उसे हल्के हल्के से उसके नेक पे आप पोंछ दो ताकि एक्सेस प्रोडक्ट आपके लैशेस पे ना लगे, लैशेस क्लम्सी ना हो जाए। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि अच्छी क्वालिटी का अच्छे ब्रांड का मस्कारा लेने के बाद भी लैशेस बहुत क्लम्सी लगने लगते हैं, एक दूसरे में फंसे होते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को ना वाइप ऑफ नहीं करते। या तो आप टिश्यू पेपर में वाइप कर लो या फिर आप बहुत केयरफुली मस्कारा की बॉटल से उसे निकालो और नेक पे थोड़ा सा एक्सेस को पोंछ लो। डायरेक्ट खींच कर नहीं निकालना स्ट्रेट, अदरवाइज इसके ब्रिसल्स ख़राब हो जाएंगे एंड कुछ भी प्रोडक्ट नहीं आ जाएगा। मे बी अगर ज़्यादा लिक्विडी हुआ तो आपके ऊपर इसके छींटे भी पड़ सकते हैं। अपर लैशेस पे लगा लिया, अब मैंने लोअर लैशेस पे भी लगा रही हूँ। पर्पल का मस्कारा है, मैंने रिसेंटली ख़रीदा है एंड ये मैं आई गेस तीसरी चौथी बार ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा मस्कारा है, ब्रिसल्स भी बहुत अच्छे हैं, रेगुलर उस यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। अब ये एक ब्लश वाला ब्रश है, अब मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। आप पाउडर ब्रश भी यूज़ कर सकते हो कंटूर के लिए, जो टेक्निक मैं बताने वाली हूँ उससे। आपको अपना कंटूर पाउडर लेना है, ब्रश को इस तरह से पिंच करना है एंड ईयर लाइन पे इस तरह से मुंह बना करके आपको ड्रॉ करना है। पहले आप ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे भी आपको कंटूर चाहिए वहाँ पहले ड्रॉ कर लो दोनों साइड्स पे। उसके बाद आप ब्लेंड करना, ब्लेंड करते टाइम आप जो ब्रश है उसे छोड़ सकते हो, पिंच किया है उसे रिलीज कर सकते हो, पर अप्लाई करते टाइम आप पिंच ज़रूर करना ताकि आपको एग्जैक्ट लाइन मिले कंटूर की। उसके बाद आप उसे ऊपर नीचे ब्लेंड कर लो। फिर से मैं पिंच करूँगी एंड इस साइड पे भी सेम प्रोसेस करूँगी। मैंने अप्लाई कर लिया, दोनों साइड बराबर डिस्टेंस में लगा है कि नहीं चेक कर लिया और उसके बाद मैं ब्लेंड करूँगी। आई हैव अ टेक्निक, मैंने अभी अभी जाना है कंटूर करने की एक टेक्निक, वो मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर शूट करके आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम में शेयर करूँगी। सो इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नाउ जहाँ पे मैंने कंटूर लगाया है उसके जस्ट ऊपर मैं लगा रही हूँ ब्लश और कंटूर से मिक्स करते हुए लगा रही हूँ। कंटूर और ब्लश के बीच बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ब्रश को मैं अपने हैंड पे बार बार रब करके पोंछ रही हूँ। अब मैं अपने जॉ लाइन एंड नोज़ को कंटूर कर रही हूँ। जॉ लाइन पे मुझे पिंच करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज ये ब्रश थोड़ा सा छोटा ही है। अगर आपने पाउडर ब्रश लिया है तो आप ब्रश को पिंच करके ही अप्लाई करना एंड फोरहेड पे मैंने हल्का सा कर लिया। नोज़ के लिए मैं अगेन पिंच कर रही हूँ बिकॉज नोज़ का एरिया छोटा सा है ना, हमें छोटा सा एरिया कंट्रोल करना होता है। फिंगर की हेल्प से मैंने उसे ब्लेंड कर लिया। हाइलाइटर, यस, ड्राई स्किन वालों पे थोड़ा सा ड्यूई लुक अच्छा दिखता है, हाइलाइटर भी अच्छा होना चाहिए। एंड ये जो शुगर का हाइलाइटर ये चंकी नहीं है, बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, इसलिए मैंने इसी ब्रश की हेल्प से हाइलाइटर लगा लिया। अदरवाइज आप अपने फिंगर की हेल्प से या फिर पतले ब्रश की हेल्प से या फैन ब्रश की हेल्प से हाइलाइटर लगाना। इससे आप हाइलाइटर लगाएंगे ना तो पाउडर ब्रश या ब्लश ब्रश तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, बट ये जो हाइलाइटर ये बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है, बहुत ही नेचुरल लगता है, तो आप इसे ज़्यादा एरिया पे भी लगा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ अ लिपस्टिक। अब आप हाइलाइटर लगाने के बाद अगेन सेटिंग स्प्रे स्प्रे कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा घंटों के लिए आपको मेकअप चाहिए तो। बट ये जो फाउंडेशन मैंने यूज़ किया था ये भी लॉन्ग लास्टिंग है एंड मेकअप फिक्सिंग स्प्रे मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड ये ब्लश एंड कंटूर भी लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप सस्ता वाला ब्लश कंटूर हाईलाइट यूज़ कर रहे हो तो आप मेकअप सेटिंग स्प्रे से उसे भी सेट करके लॉन्ग लास्टिंग बना लेना। लिप्स पे आपको बहुत ज़्यादा रब नहीं करना, पहले आप लाइन बनाओ उसके बाद इनर लिप्स को फिल कर लो। एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई लुक। के ब्यूटी का लिप क्रेयॉन था जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। हाँ, बाल मेरे पूरे तरीके से सूखे नहीं थे, वेट थे, कहीं कहीं पे गीले थे, कहीं कहीं पे सूखे थे, सो मैंने बांधे नहीं एंड आई थिंक ऐसे अच्छे लग रहे थे।
सो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसी तरह मेरे हर वीडियोस में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएगी, तो वीडियो पूरा देखना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।